हम पर भी है जिम्मेवारी, हम पर भी है जिम्मेवारी, हम पे भी है जिम्मेवारी, हम पर भी है, हम पर भी है जिम्मेवारी। बैठ चुका हूँ सुबह से, अब जेपी को माल्यार्पण करके मैं मौन में जाऊंगा। मैं सुबह से उपवास पर हूँ और अब मैं मौन करके और इस आतताई सरकार, बिहार की इस आतंकवादी सरकार जिसने बिहार में किसानों पर बर्बरतापूर्वक, माँ बहनों पर भी लाठियां बरसाई, पुलिस के उन तमाम पुलिस के टोपी को शर्मसार कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बक्सर में जिस तरह से किसानों पर पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया, इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे आज पटना के जेपी गोलम्बर पर मौन उपवास पर बैठेंगे। वहीं बात करें तो जब उनसे पूछा गया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सुबह से हम उपवास पर हैं और अब मौन उपवास पर बैठेंगे। और जिस तरह से कहें तो बक्सर में भी हमने भीमराव अम्बेडकर के मूर्ति के नीचे मौन उपवास पर बैठे थे और आज जेपी के मूर्ति है जहां पर हम मौन उपवास पर बैठेंगे और गूंगी बहरी की सरकार को जगाएंगे और उन्हें जिस मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से किसानों पर वहां पर अत्याचार किया गया है, पुलिस प्रशासन के द्वारा मारा गया है, क्या कुछ करे अश्विनी चौबे, पहले सुनिए उनकी बात। बैठ चुका हूँ सुबह से, अब जेपी को माल्यार्पण करके मैं मौन में जाऊंगा। मैं सुबह से उपवास पर हूँ और अब मैं मौन करके और इस आतताई सरकार, बिहार की इस आतंकवादी सरकार जिसने बिहार में किसानों पर बर्बरतापूर्वक, माँ बहनों पर भी लाठियां बरसाई, पुलिस के उन तमाम पुलिस के टोपी को शर्मसार कर दिया है। बिहार की 12 करोड़ जनता शर्मसार है। किसानों को मुआवजा मांगने पर उनके घर में घुसकर आतंकवादी, जैसे लगता था आतंकवादी घर में घुस गया है, उस पर प्रहार करते हो, लाठियों से प्रहार करते हो। मुआवजा का मांग करता है किसान तो उसे लाठी देते हो, उचित मुआवजा नहीं। फैक्ट्री को प्रारंभ करने में देर हो रही है, ये चाहते नहीं है कि फैक्ट्री प्रारंभ हो। SJVNL जहां 12,000 करोड़ का 1300 मेगावाट का 1360 मेगावाट बिजली, बिहार को 85% बिजली मिलेगा और इन्होंने एग्रीमेंट किया है, उसके बावजूद आज तक उनको उचित मुआवजा नहीं मिला। 2013 का मुआवजा देके लाठियों से पीटा जा रहा है, माँ बहनों को पीटा जा रहा है, उसके खिलाफ लगातार हमने संघर्ष किया है और वहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो गई है। मैंने अम्बेडकर जी के मूर्ति के सामने उनसे शक्ति ले करके और मैंने वहाँ मौन उपवास 24 घंटे का किया था और हमने तय किया है, जहाँ जहाँ नीतीश कुमार जी आपने दरभंगा एम्स को बंद करने का साजिश किया है कि दरभंगा में नरेंद्र मोदी नहीं आ पाए, अगले महीने दो महीने में शिलान्यास होने की बात थी, वो चाहते हैं कि जेंट्स, वो घबराए हुए, वो घबरा गए, उनको पता नहीं कि वो कहीं नहीं रहेंगे, उनका आता पता नहीं रहेगा और पूरी तरह से 2024 में भी भारत माता का लाल नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, जनता के आशीर्वाद से बनने जा रहा है। आज भारत का गौरव है G20 के अध्यक्ष बनने का, लेकिन इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें शर्म से डूबना चाहिए शर्म में। ये पूरी तरह से जिस प्रकार से बिहार को फिर से जंगल राज 2 में इन्होंने ला देने का प्रयास किया है, हमने तय किया है हम बिहार को जंगल राज में नहीं, जंगल राज नहीं होने देंगे। ट्रेन को भी रोका गया, कल ये गए थे यात्रा पर बक्सर के अंदर, ये फिर क्या कहेंगे सर, ये एक बार फिर से विशेष राज्य का दर्जे की बात। भाई देखो, ये जो योजना है, जो भारत सरकार ने पैसा दिया है, वो तो ये खर्च नहीं कर पा रहे और ये जनता को बरगलाने का काम कर रहे। जो पैसे, जो योजना है केंद्र सरकार की है, जहाँ आज किसानों को खाद भेज रहे और उसका ब्लैक में इनके ऑफिसर और ये लोग ब्लैक कर रहे हैं, ये तमाम नेता ऑफिसर, ये महागठबंधन के, ये बिहार की सरकार। मैं पूछना चाहता हूँ, आज किसानों को खेत में ना तो बीज है ना तो खाद है, भारत सरकार पर्याप्त खाद और बीज दे रही है, उसके बावजूद भी आज ब्लैक कर रहे हो, आज ब्लैक पर कंट्रोल नहीं कर रहे हो और उसको पूरी तरह लुटवा रहे हो, ये कैसा न्याय? और किसानों को लाठी दे रहे हो, किसानों को लाठी से पीट रहे हो और अत्याचार, अपराध, बिहार में गुंडागर्दी, गुंडा एक तरफ, क्रिमिनल जो सड़कों पर माँ बहनों को चलती हुई उनको काटा जाता है, हाथ उनके अस्तन काटे जाते हैं, बिहार के अंदर ही माँ बहनों को जिस प्रकार से घर में घुसकर
बिटिया को उसको उसका सील हरण करने का प्रयास होता है और बाद में मां के विरोध करने पर मां बेटी को जिंदा जला दिया जाता है। आए दिन लगातार बिहार में हत्या अपराध बढ़ रहे। सासाराम में दो दिन पहले दो बेटी को उठाया गया, एक को जान से मार दिया गया। ये क्या हो रहा है ये बिहार में? और इसलिए मैं मौन रह करके हिंसा का जवाब अहिंसा से दूंगा। अहिंसा की तलवार सबसे बड़ी धारदार होती है। मैं गांधी, जयप्रकाश जी और लोहिया को कहने वाले, ये लोहिया को भी भूल गए। रामायण रामचरितमानस लोहिया जी जिन्होंने रामायण मेला लगाया था, आज इनके ही अनुयायी इनके मंत्रिमंडल में, आज तक उन्होंने उनका बर्खास्त नहीं किया और रामचरितमानस का अपमान किया। मैं सब जगह रामचरितमानस को पाठन करके और इस सरकार का विरोध करता रहूंगा और जब तक ये जुल्मी सरकार बिहार से मुक्त करने का, बिहार से छुटकारा पाने का, इस जुल्मी सरकार को छुटकारा दे करके ही मैं चैन रहूंगा। साफ तौर पर सुना सुनील चौबे का, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा और किसानों पर लाठिया चार्ज किया जा रहा है, इसी को लेकर आज हम जेपी के जो मूर्ति है उसके नीचे हम मौन उपवास पर बैठेंगे और गूंगी बहरी सरकार को जगाएंगे। और वहीं बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें किसानों को मुआवजा भी बिहार सरकार दें। इस तमाम खबरों पर बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।